सो फाइनली एक और नई वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। बता दूं यहाँ पर इसरो की तरफ से एक नए कोर्सेज को लॉन्च किया गया जो कि बिल्कुल फ्री होने वाला है। यहाँ पर हम लोग इसरो के ऑफिशियल साइट पर पहुँच चुके हैं, लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है। थोड़ी नीचे जाने के बाद आपको कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन की यहाँ पर एक वर्कशॉप को लॉन्च किया गया जिसे कम्प्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर बात करें किस टॉपिक पर आपका वर्कशॉप यहाँ पर होने वाला है तो एप्लीकेशन ऑफ जियोमैटिक्स इन अर्बन डिजास्टर May 24, 2023। सिर्फ और सिर्फ एक दिन की यहाँ पर वर्कशॉप होने वाली है, एक दिन में भी बस कुछ घंटे की यहाँ पर वर्कशॉप होने वाली जिसे बस आपको अटेंड करना है। अटेंड करने के बाद आपको यहाँ पर इसरो की तरफ से एक वैल्यूबल सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़े नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको ब्राउजर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और यहीं पर पहले रजिस्ट्रेशन का लिंक रहता था लेकिन यहाँ पर भी कोई लिंक आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इस वर्कशॉप के लिए आगे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले ब्राउजर की अगर हम लोग बात करें क्या सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टारगेट कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर इस कोर्सेज के लिए ज्वाइन कर सकते, कौन कौन से लोग ज्वाइन कर सकते। द कोर्स इज डिजाइन फॉर प्रोफेशनल्स रिसर्चर एंड स्टूडेंट एटलीस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पर कोई भी इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, रिसर्च कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आप सभी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। आप सभी यहाँ पर अगर किसी भी ब्रांच से आ रहे, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच से आ रहे, इन्वायरमेंटल स्टडीज के ब्रांच से आ रहे, टेक्नोलॉजीज के ब्रांचेस से आ रहे, तो आप सभी यहाँ पर एलिजिबल होने वाले, कोई भी ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन सीट्स यहाँ पर लिमिटेड है, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन विल बी डन ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो फिलहाल इस कोर्सेज को हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया तो आप लोगों को फटाफट रजिस्ट्रेशन करनी है। कैसे करेंगे आगे बात करेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ आपको अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जा रही है। ऑल द पार्टिसिपेंट हु अटेंड द प्रोग्राम थ्रू ई क्लास पोर्टल विल गेट अ सर्टिफिकेट फॉर पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेट करने के बाद आप सभी को यहाँ पर एक ई सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाएगा जिसकी नो डाउट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होने वाली है। सो फाइनली ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम में जाकर के आप लोग देख सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर क्या सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, किस किस टॉपिक्स को यहाँ पर कवर्ड की जाएगी, सारे टॉपिक्स के बारे में इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। इसी के साथ थोड़े नीचे जाने के बाद आपको कोर्स के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना उसके बारे में भी इन्होंने बता रखा है। तो आगे मैं आपको यहाँ पर सीधे अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूँ ये जो भी कोर्सेज यहाँ पर ऑनलाइन लॉन्च की जाती है वो यहाँ पर इसरो के ई क्लास पोर्टल पर होती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रोग्राम के रिसेप्शन में जाएंगे यहाँ पर आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, आप यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आप लोग यहां पर इस टाइप के पेज पर पहुंच जाइएगा जो कि यहां पर इसरो की ही ऑफिशियल साइट है, ई क्लास के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाइएगा जहां पर सबसे पहले आपको लॉग इन करनी होगी। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लेनी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप सभी को बता दूं बिल्कुल ही सिंपल होने वाला है। यहां पर आप देख सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन में अपने फुल नेम डालनी होगी, ईमेल डालनी होगी, ईमेल को कंफर्म करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड को डालनी होगी। पासवर्ड की स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए यहाँ पर आपको सजेशन दिया गया, एक लोअर केस एक अपर केस होना चाहिए, कोई नंबर भी होना चाहिए और कोई स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, एटलीस्ट 8 करेक्टर आपका पासवर्ड यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड को रिटाइप करना है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले कोड जो भी आपको कोड दिखाई जा रही है उसे यहाँ पर फिल करना है और फिर रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग फिर से दोबारा से लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करना बिल्कुल सिंपल है, यहां पर अपने यूजर नेम ईमेल आईडी के साथ और पासवर्ड के साथ यहां पर आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप लोग एक न्यू पेज में पहुंच जाइएगा आप जहां पर आप लोग इस कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, चूज कोर्सेज में जाकर के क्लिक करना है। जिस कोर्सेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो यहां पर एप्लीकेशन ऑफ जियोमैटिक्स इन अर्बन डिजास्टर होने वाला है, तो इसी कोर्सेज के लिए आपको यहां पर एनरोल करना है क्योंकि एक ही कोर्सेज फिलहाल आपको यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि 24 मई को किए जाएंगे। तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर दो चीजें, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहां पर एक इंडिविजुअल एक रजिस्ट्रेशन थ्रू IIRS नोडल सेंटर है। तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग अगर अकेले कोर्सेज को कर रहे हैं स्टूडेंट है तो आप लोग इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। अगर आपकी कॉलेज यहां पर इसरो के साथ IIRS नोडल सेंटर के साथ जुड़ी हुई है तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नोडल सेंटर का आपसे नाम पूछा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इफ योर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन नेम इज नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट देन प्लीज आस्क योर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन टू रजिस्टर एट। मतलब यहां पर आपकी कॉलेज का नाम तभी दिखेगा जब आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट इस पोर्टल पर जाकर के अपनी रजिस्ट्रेशन करेगी, इसलिए आप लोग यहां पर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जैसे आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करेंगे कुछ आपको यहां पर चीजें दिखाई जाएंगी, कुछ नोटिस आपको नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फॉर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी प्रिंटेड इन द सर्टिफिकेट। तो यहां पर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन का क्या यहां पर दो यहां पर बहुत सारी यहां पर वो भी लॉसेज भी होती है, जैसे कि आपको यहां पर आपके
सर्टिफिकेट में आपके कॉलेज का नाम यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बाकी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जरूर दी जाएगी। आप देख सकते हैं यू विल बी एलिजिबल फॉर ओनली कोर्सेज पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन योर अटेंडेंस ड्यूरिंग द कोर्सेज। कोर्स को करने के बाद आप जानते हैं कि इसरो में अगर आप लोग 70% आपकी अटेंडेंस रहेगी तो ही आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो अगर आप लोग इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी आपको यहाँ पर एक वैलेबल सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सो फाइनली इन सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद बस आपको उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करनी होगी, जो कि बहुत ही नॉर्मल होती है। एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करनी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे, एक बार प्रीव्यू कर लेना है, उसके बाद आपको जाकर के सबमिट कर लेना। सबमिट करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन सारी कम्युनिकेशन आपके मेल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर इसरो के न्यू कोर्सेज के लिए, न्यू यहाँ पर वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो फाइनली आज के शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको इसरो के कोर्सेज के बारे में, वर्कशॉप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। लेकिन मैं आप सभी को फिर से कहना चाहूँगा, यहाँ पर सीट्स लिमिटेड है तो फटाफट आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखा है।